वहाँ पे ना बटेरे लगे हैं और वो नेट हिल भी रही है। रुक 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 दोस्तों, जैसे जैसे शाम हो रही है ना, बटेरे काफी ज्यादा आ रहे हैं, ये चेक करें। यार एक मिनट तेरी है। रुक रुक रुक, कहाँ गया है? इधर होल में तो नहीं चला गया कहीं, नजर तो नहीं आ रहा यार। दोस्तों अभी मैं हमारे रैबिट्स के लिए चारा लेके आ रहा था, मैंने मोटरसाइकिल वहाँ से मोड़ी ना, मैंने देखा यहाँ पे ना सांडा बैठा हुआ था, तो मैंने मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी की और कैमरे को ऑन किया, मेरे आने से पहले ही वो भाग गया। मुझे लग रहा है होल के अंदर ही है, और ये मुझे पहले वाला सांडा नहीं लग रहा, ये तो काफी फास्ट लग रहा था। 4-5 दिन पहले हमने सांडे को पकड़ा था, वो काफी सुस्त था, हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी, तो वो ज्यादा भागता दौड़ता नहीं था। इसको मैंने जैसे ही देखा मोटरसाइकिल खड़ी की, ये फौरन होल के अंदर भाग गया, और ये काफी फास्ट भी था और डेंजरस भी था। इसको मैं पकड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन वैसे वीडियो में लाना चाहता था, नहीं आया। चलो खैर, अब हम वापस अपने पेट हाउस में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? सब पेट्स को मैंने अपने कंट्रोल में ले लिया, सबको खाना वगैरह दे दिया, अब मैं बेफिक्र हो चुका हूं। और आज का व्लॉग हमारा बड़ा ही मजे का बनने वाला है, क्योंकि आज हम बटेरे के शिकार पे जा रहे हैं। पहले भी हमने एक दफा बटेरों का शिकार किया था, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आया था, हम ज्यादा टाइम दे नहीं पाए थे, लेकिन आज हम जल्दी फ्री हो गए हैं, आज तो बड़ा ही मजा आने वाला है। आपने वीडियो के एंड तक एंजॉय करना है, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी जल्दी 100K करवा दें, ताकि हम अपने पेट हाउस को बड़ा कर सके, सामने वाले प्लॉट में शिफ्ट कर सके। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों की सपोर्ट के साथ हमारा पेट हाउस बहुत जल्द बड़ा होगा। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से शिकार के लिए निकलते हैं। फाइनली दोस्तों हम ऊंचे में पहुंचे हैं, जहाँ पे हमने बटेरों का शिकार करना है। इस दफा हम काफी जल्दी आ गए हैं और आज काफी मजा आने वाला है। वो सामने अंकल नेट वगैरह लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, बस हमारा वेट था, और उन्होंने साउंड वगैरह भी चलाया हुआ। तो अभी हम जाते हैं और बटेरों का शिकार करते हैं। आज हम भरपूर शिकार करेंगे और हम खेतों में जाएंगे और बटेरों को बाहर निकालेंगे, काफी मजा आने वाला, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। और ये वाला बेचारा मायूस हुआ है, क्योंकि बेचारा कल पेपर दे के आया ना, इसको थोड़ी सी टेंशन है, इसका पेपर ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा सैड सैड भी है, लेकिन यहाँ पे ना सारी तेरी उदासी खत्म करवा दूंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है, चला जा बस। ये हम पहुंचे हैं बॉर्डर के पास, ये नेट लगा हुआ है, हम उस तरफ से आते हैं, और काफी ज्यादा नेट लगा हुआ है, इस तरफ भी लगा हुआ है, इस तरफ भी। अभी हम जाते हैं ना तो देखते हैं इधर से आ यार, वो देखो वो लकड़ देख रहा है ना, यहाँ से इस तरफ से जाते हैं और हमने वहाँ पे जाना है, वो जहाँ पे साउंड चल रहा है। अंकल वगैरह को मिलते हैं, सलाम करते हैं और आज का काम का आगाज करते हैं। अभी मैं गिरने वाला था इधर। सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कोई बटेरा वगैरह लगा है कि नहीं? अभी चलाया जी, देखो अभी नहीं लगा है। दोस्तों मैंने अंकल से पूछा, वो कह रहे हैं एक बटेरा भी अभी नहीं लगा, मतलब आज काफी मजा आने वाला है, हमारे होते हुए बटेरे आएंगे और काफी मजा आएगा। अंकल कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ, वो नेट वगैरह सेट किए और आप भी आ गए हैं। इन्होंने माइक वगैरह सेट कर दिया, जो बटेरों की आवाज निकाल रहा है ना, इसकी आवाज सुन के जो खेतों में छुपे होते हैं ना बटेरे, वो बाहर आते हैं और इस नेट में आके फंस जाते हैं। दोस्तों खाना पीना कर रहे हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं, शिकार में ना काफी इंतजार होता है, अभी तक कोई बटेरा भी नहीं लगा, हैरत हो रही है यार। उधर बटेरे लगे जाके लेके आ जाते, कहाँ पे? वो देख पे, और वो नेट हिल भी रही है, ये पकड़िए एक मिनट, अंदर से चला जाओ ना, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। ये फसल कास्ट की हुई है और मैं इसी के अंदर से ही जा रहा हूँ, ये रहा, क्या बात है। इधर आ यार, मैं तुझे बचाने के लिए आ गया हूँ, तुझे अभी बाहर निकालता हूँ। ओए ओए रुक 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 यार, कैसे निकालना है, अंकल तो आए नहीं है, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और नेट कहाँ से तय किया हुआ है यार, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, बड़े जालिम तरीके से फंस गया यार। दोस्तों मैं कैमरे को बंद करने लगा हूँ और इसको बाहर निकाल लूँ। दोस्तों मैंने कैमरा बंद कर दिया, फिर भी मेरे से बाहर नहीं निकला बेचारा, बड़े जालिम तरीके से फंसा हुआ है। अंकल को मैं बुलाया, वो निकालते हैं इसको, और जब मैं इसको निकाल रहा था तो एक और लग गया, ये चेक करें, क्या बात है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ यार, उसको तो नहीं बचा पाया, तो ये आज़ाद कर देता हूँ, अंकल को पता नहीं चलेगा। इधर आ, इसको तो मैंने आसानी से निकाल लिया, ये चेक करें कितना प्यारा यार मासूम सा। इधर तो आ यार, मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, अब्दुलमान भाई बैठा हुआ है, केले शेले खा रहे हैं। फाइनली दोस्तों मैंने इस मासूम को निकाल दिया, मेरे से भी फ्लाई करके जा रहा था, तो मैंने काबू से इसको पकड़ लिया, और ये काफ़ी जालिम तरीके से फंसा है, अंकल से भी नहीं निकल रहा। ये चेक करें दोस्तों, जो अभी नेट में लगे थे ना, इनको हमने नेट में डाल दिया, लग गए उधर भाई, कहाँ पे? ओ, उस तरफ ये पकड़ना, एक मिनट में अभी आ रहा हूँ। ओए तू अब्दुलमान मेरे साथ आया, चलो बटेरा निकलता नहीं, मैं काफी मुश्किल हो जाती है मुझे। दोस्तों जैसे जैसे शाम हो रही है ना, बटेरे काफी ज्यादा आ रहे हैं, अब कह रहे हैं उस तरफ लगा हुआ है, तो अंकल ना मुझे भगा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब ये शिकार करने आया ना, इसको अच्छे तरीके से शिकार करवाते हैं, मुझे सांस भी चढ़ गया भाग भाग के, कभी उधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। ओए तू केले खाने आया था आराम से, वहाँ पे बैठा हुआ था? नहीं
कहाँ पे है यार, नजर आया कि नहीं? वो कहाँ पे अंकल जी? वहाँ तक नेट है तो वहाँ जाके देख लेते हैं। ओए ये रहा है, रात हो रही है ना तो इसलिए नजर भी सही से नहीं आ रहा, लेकिन शिकार का टाइम यही रात वाला है तो बटेरे रात को ही ज्यादा लगते हैं। कहाँ गया? इधर था, ये रहा। ये चेक करें, ये भी बेचारा मासूम सा ना फंस गया नेट में। इसको आजाद कर दें यार, कर देते हैं। पहले दो बटेरे आए हैं, मैंने यही कहा इसको आजाद कर दे, इसको आजाद कर दे, इसको आजाद कर देते हैं, लेकिन अंकल ने क्या है उसको लेके आओ। दोस्तों जो बटेरे लगते हैं ना, अंकल सबसे पहले ना बटेरे को चेक करते हैं, इनको पता है मुझे करने नहीं आते, वो देखते हैं कोई नया बटेरा तो नहीं है। जब हम पिछली दफा आए थे काफी नया बटेरा इनको लगा था, तो अब हम ये लेके जाते हैं, ये भी चेक करेंगे कि ये नया तो नहीं है कहीं। इधर से आता हूँ मैं, इधर से निकालता हूँ, ये देख इधर से हाथ डालने की जगह है, पकड़ उधर से, निकल आया आराम से। बड़े केले खा रहा, अभी भी तेरे हाथ में केला, छुपा रहे हैं जेब में डाल रहे हैं यार तू भी ना। चलो जी फाइनली इसका हमने बात नहीं निकला अभी, क्या कर रहा है यार वो, फंसा ही ऐसे हो गया हम। तो फाइनली दोस्तों हमने इसको भी बाहर निकाल दिया यार, ऐसे छोड़ देना वापस यार, हमें शिकार करना नहीं आता, हमें काफ़ी मुश्किल हो रही है वैसे अंकल के बगैर। अंकल तो वहाँ पे बैठे हैं बातें शाते कर रहे हैं, आज हम शिकार कर रहे हैं। और इनका मज़ा उस वक्त दुबाला हो जाता है जब बटेरों को जाके ना खाएं, कढ़ाई वगैरह बनाएं, मज़े मज़े से खाएं, तो ये हलाल होते हैं ना ये खाने वाले, लेकिन लोग अक्सर पकड़ते हैं इसको खाने के लिए। पिछली दफ़ा हम दो लेके गए थे तो हमने खाए नहीं थे, मैंने दोस्तों से कमेंट में पूछा था कि हम इनको खाएं या आज़ाद कर दें, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि आप आज़ाद कर दें, फिर हमने आज़ाद कर दिए थे। अगर आज हम लेके गए ना तो फिर से आपने बताना है कि हम इनको आज़ाद कर दें या खा लें, तो जैसे ही आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। अगर खाने को कहा ना तो मैं खा जाऊंगा सच्ची में। जहाँ से अभी हम लेके आए ना वहीं पे एक और लग गया, तो इसको आप डाल दो जाली में, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा ये बिल्कुल करीब ही लगा है, मैं पहले वहां से लेके आया था, मैं डर गया था, मैंने कहीं पहले की तरह दूर ना। ओ यार एक मिनट निकालते हैं, निकालते हैं यार एक मिनट। माशाल्लाह ये हमारा चौथा बटेरा शायद लग रहा है, ये पांचवा है, मुझे गिनने दे दे, अभी जाके गिन लेते हैं। और यहाँ पे स्लिप हो रहा हूँ, गिरने वाला था अभी, मैं बच गया हूँ। ये चेक करें ये वाला अभी बटेरा लगा है दोस्तों, माशाल्लाह फिर से वहाँ पे बटेरा लग गया। अब उसको लेके आता हूँ, नहीं मैं ले आता हूँ इधर बैठ। जैसे जैसे शाम हो रही है ना हमारे पास काफी ज्यादा बटेरे आ रहे हैं, और मैं तो थक गया हूँ यार बटेरे निकाल निकाल के। ये तकरीबन मैं छठा बटेरा निकाल रहा हूँ, ये चेक करें माशाल्लाह। रुक एक मिनट निकालता हूँ यार बाहर आपको, इधर आओ। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसको भी निकाल लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये निकलते कहाँ से हैं। यहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा फसलें हैं, खेत हैं, तो वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे भी पहले फसल वगैरह होती थी, जब इसकी कटाई हुई है ना तो अंकल ने मुझे बताया था मुझे काफ़ी ज़्यादा बटेरे लगे थे, अब थोड़ी सी फसलें दूर दूर हैं और आजकल थोड़े कम आ रहे हैं, मतलब दस बारह इतने लग रहे हैं रोज़ के। नहीं तो पहले जब यहाँ पर फसल होती थी ये कहते थे मुझे 25-30 इस तरह रोज़ के बटेरे लग जाते थे। बटेरे को भी मैं ले आया हूँ, हम इस जाली के अंदर डाल रहे हैं। ये वाला, हाँ ये वाला। अंकल ने हमें दो बटेरे दे दिए हैं, हमारे पास दो बटेरे आ चुके हैं, लग गया वहाँ पे। तो हम भी जा रहे हैं यार, काफी शाम हो गई है, तो मैंने यही कहा था कि हम शाम तक शिकार करेंगे, मजा करेंगे। मजा आया फिर? हाँ बहुत। पेपर की याद आ रही है कि नहीं? नहीं नहीं सही हुआ है। चलो जैसा भी हुआ अब तो ये बटेरे पकड़, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। ठीक है जी दोस्तों, हमें फिर से दो बटेरे मिल चुके हैं, अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मुझे इसको खाना चाहिए या आज़ाद कर देना चाहिए। जैसे आप कहेंगे ना वैसे करेंगे, पहले तो हमने आज़ाद कर दिए थे, अब मेरा भी थोड़ा थोड़ा दिल कर रहा है कि इसको खा जाऊँ। तो ये पता है मेरे साथ कहाँ पे खड़ी है? रात काफ़ी हो चुकी है, हमें नक्शे का पता नहीं चल रहा हम किस तरफ से आए और किस तरफ से वापस जा रहे हैं। अब्दुल मोमिन मुझे लेके जा रहा है, कह रहा है कि इस तरफ को हमने मोटरसाइकिल खड़ी की है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पे की है, अगर ना हो ना तेरी खैर नहीं होनी। मैं इस तरफ ही आ रहा हूं। अब्दुल मोमिन मुझे वहीं लेके आए जहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल खड़ी थी। वैसे चौकस बंदा है तुम्हें ना, चल बैठ यार चले। ओए मैंने इधर तो नहीं खड़ी की थी यहाँ पे, अपनी मोटरसाइकिल नहीं है। अपनी नहीं है? नहीं है, नहीं अपनी मोटरसाइकिल। ये किसकी है? ये किसी और की है, मेरे ख्याल उस भाई की है वो, जो आए नहीं। यार अभी मैं इसको लेके जाने वाला था, मैं तो बैठ भी गया था, मैं हैरान भी हो गया था, मैंने कहा हमने यहाँ पे तो खड़ी नहीं की थी। फाइनली दोस्तों हम अपने पेट हाउस में पहुंचे हैं, और रात को पहुंचे थे, थकावट भी काफी हो रही है शिकार कर करके, और आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।